नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल आरबी ब्लॉग ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने इससे पहले आज से पहले नहीं देखा था, तो मेरे पास आया, मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो मैं आज का ये वीडियो उसी प्रोडक्ट को आपके सामने एक शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नए नए कंटेंट पे आपके लिए वीडियो लेके आएँ। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, एक नायाब चीज़ आपके लिए लेके आऊँ, तो वो है ये 3-2 Smith-Wesson लॉन्ग कार्ट्रिज है। ये 3-2 Smith-Wesson लॉन्ग कार्ट्रिज है। ये राउंड आप हमेशा देखते आ रहे होंगे, ये KF का है, ये लेड राउंड है, और ये जो है ये फुल मेटल जैकेट राउंड है 3-2 Smith-Wesson लॉन्ग कार्ट्रिज का। मैं आपको आगे से दिखा दूंगा। ये फियोची का राउंड है 3-2 Smith-Wesson लॉन्ग। आज से पहले जो हम लोग कार्ट्रिज देखते आ रहे थे रिवॉल्वर का 3-2 Smith-Wesson लॉन्ग, वो ये लेड राउंड कार्ट्रिज देखते आ रहे थे, बट ये एक नया राउंड था, ये मैंने पहले नहीं देखा था। और बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो ये इम्पोर्टेड राउंड है, ये इंडिया में कोई कंपनी नहीं बना रही है या KF की नहीं है, ये फियोची का राउंड है। फॉरेन में इस तरीके का राउंड यूज़ होता है रिवॉल्वर में। ये इस राउंड का खासियत ये है कि ये एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है, ये राउंड एक्यूरेट है, इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं कुछ आपको बता दूँ इससे अंतर इन दोनों राउंड का क्लियर हो जाएगा। ये राउंड जो है वो 97 ग्रेन का राउंड है, फुल मेटल जैकेट फ्यूची का जो राउंड है 97 ग्रेन का राउंड है। मज़ल एनर्जी जो इस राउंड का है वो 139 फीट। मज़ल वेलोसिटी जो है इस राउंड का वो 800 FPS है। अब इसकी बात करें तो इसकी मज़ल वेलोसिटी जो KF का राउंड आता है ये मोटा मोटी 700 से 710 FPS का इसका मज़ल वेलोसिटी होता है। मैं अगर हायर साइड भी मान के चलता हूँ तो 710 और ये आपका 800, तो आप इन दोनों में तो ऐसे ही डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये पेनिट्रेट भी ज़्यादा करता है, ये राउंड एक्यूरेट भी ज़्यादा है, और इस ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें ये फुल इसकी फिनिशिंग, इसके ऊपर जो ब्रास का कोटिंग है और वो जो पॉलिशिंग है, आप देखें दोनों में आपको खुद ये अंतर दिख रहा होगा कि इसकी फिनिशिंग कैसी है। क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया में जो सबसे आसानी से मिल रहा है हम लोग को उसी से काम चलाना है। ये सारे राउंड आपको जो रेनाउंड शूटर हैं या जो शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन लोगों के पास ये राउंड मिलता है, उनको प्रैक्टिस रेनाउंड शूटर के पास था, तो मैंने उनको बोला कि सर आप प्लीज़ मुझे दें, मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए ये राउंड है। अब इसके अंदर जो बारूद है, ये बारूद अगर आप अपने रिवॉल्वर में इस राउंड को फायर करते हैं और बिना साफ़ किए हुए भी अगर आपका रिवॉल्वर एक आध महीने दो महीने आप रख देते हैं, तो इससे इस राउंड के बारूद के रेसिड्यू जो बैरल में चिपक जाते हैं उससे आपका बैरल पिट नहीं होगा। लेकिन बैरल पिट का मतलब उसमें रस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये राउंड आप यूज़ करते हैं, एक भी राउंड अगर आप अपने रिवॉल्वर में यूज़ करते हैं और उसको बिना साफ़ किए हुए भी अगर आप उसको रख देते हैं, तो आई थिंक ये महीने भर में आपका बैरल जो है उसमें रस्ट आ जाएगा इस राउंड से। क्योंकि ये राउंड आप एक राउंड भी अपने रिवॉल्वर में, ये वाले राउंड से आप एक राउंड भी अपने रिवॉल्वर में फायर करते हैं और उसके बाद जब आप उसमें WD-40 या कोई भी रस्ट रिमूवर स्प्रे करके और उसमें ब्रश यूज़ करते हैं, तो आप उसमें कितना काला काला आपको दिखता होगा कि वो गिर रहा है, वो क्या है, वो बारूद का रेसिड्यू है जो आपके बैरल में चिपक गया है। इसका बारूद वैसा नहीं होता है, इन सब कार्ट्रिज का बारूद आपके वेपन में अगर आपने कुछ दिन छोड़ भी दिया, साफ़ नहीं किया, तो आपका वेपन ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये कार्ट्रिज से ख़राब। ये डिफ्रेंसेज है इन दोनों कार्ट्रिज में। ये एक छोटा सा वीडियो था ये कार्ट्रिज दिखाने का, चूँकि मुझे ये इसकी फिनिशिंग, इसका लुक और इसका जो मारक क्षमता है उसको देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। तो मैं ये आज का ये वीडियो इसी के लिए था, इसी को बताने के लिए था।
और अगर आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।